आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मीटर नंबर से अपनी उपभोक्ता आईडी को किस तरह से जान सकते हैं और अपना बिजली बिल किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में यहाँ पे आपको ऊपर टाइप कर देना है UPPCL। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको UPPCL टाइप करना है, और अदर स्टेट के निवासी हैं तो मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। तो आपको सबसे पहले UPPCL टाइप कर देना है, उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा UPPCL एम पावर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे बिजली बिल चेक करने के लिए अकाउंट नंबर मांगेगा, पर आपके पास सिर्फ मीटर नंबर है, आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है और ना ही अभी तक आपका कोई बिजली बिल निकाला गया है। तो वो किस तरह से निकाला जाएगा तो इसकी डिटेल बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे होम का आइकन बना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पूरा इंटरफेस डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा 1912, इस पर आपको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद वो आपसे आपका नाम और आपका एड्रेस पूछेंगे, उसके बाद आपसे आपके मीटर नंबर पूछेंगे। तो आपको अपना मीटर नंबर बता देना है और आपको अपना एड्रेस और अपना नाम बता देना है, जिसके भी नाम पर ये मीटर आपने रजिस्टर्ड कराया था। इतना पूछने के बाद वो वहाँ पे कुछ अपनी प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर या कंज्यूमर नंबर आपको दे देंगे और उसी के साथ आपको आपका बिजली बिल भी बता देंगे। तो इस तरह से आप अपने मीटर नंबर से अपने कंज्यूमर नंबर और अपना अकाउंट नंबर जान सकते हैं और अपना बिजली बिल भी जान सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।